नहीं पता है, इससे बात बोलना है तो कुछ बोलना है। चुनाव में ये सब चीज़ें बहुत ही आम बात है, पर जानकारी नहीं है क्या किए क्या नहीं किए, इस पर क्या फर्क है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव को झटके पर झटका लग रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे नेता मुझे छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, जिस तरीके से एक हफ्ते के अंदर की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के पार्टी के कई दिग्गज ऐसे नेता थे जो तेजस्वी यादव की पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी का दामन थाम लिए, नहीं तो उनसे बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। और आज एक बार फिर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद अशफाक करीम ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि वो अब हमारे साथ है कि नहीं है। ऐसे में राजद पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके करता धरता तेजस्वी यादव के ये पता नहीं कि उनके पार्टी में चल क्या रहा है। वैसे में 2024 लोकसभा चुनाव किसके भरोसे लड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आता। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव अपने नेताओं के लिए जो उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, पहले देखिए। सर, कई बड़े आपके जो दिग्गज नेता हैं आज आपका साथ छोड़ दिए हैं, और आज अशफाक करीम में वो जदयू में शामिल भी हो गए हैं। आपका पार्टी से पूर्व सांसद रहा, उनको जानकारी नहीं है क्या किए क्या नहीं किए, इस पर क्या फर्क पड़ता है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना। चुनाव का समय है, आना जाना चलता रहता है, इस पर कौन सी नई बात है। ब्रिशन पटेल बोल रहे हैं सर कि सामाजिक न्याय वाली बात करने वाले लोग, सामाजिक न्याय जमीन स्तर पर नहीं दिखता है। वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। चुनाव में ये सब चीज़ें बहुत ही आम बात है और लोग इस सब पे ध्यान भी नहीं देते। सब लोग जानते हैं कि कारण क्या है, नहीं पता है, इससे बात बोलना है तो कुछ बोलना है। अरे वो भी है भाई। जी हाँ, तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे पता ही नहीं है कि वो हमारे साथ है कि नहीं है, और नहीं है तो किस पार्टी का दामन थाम लिए है। वैसे में जिस तरीके से मुकेश सहनी की इस वक्त उनको साथ मिल रही है, मुकेश सहनी हर पल तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या अब तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ मुकेश सहनी का ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी है? और तेजस्वी यादव के जो करीबी है, अगर तेजस्वी यादव को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव का इसका फर्क नहीं पड़ता है? लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे के जो हाव भाव थे जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, तो बहुत कुछ बयां कर गए कि तेजस्वी यादव को इसका मलाल है कि तेजस्वी यादव के नेता जो हैं वो उनका साथ छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, जो बागी हो रहे हैं उसे भी नेतागण जो है समझा नहीं पा रहे हैं, और वो महागठबंधन के खिलाफ ही चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव को झटके पर झटका लगा है, कल सुबह का सूरज तेजस्वी यादव के लिए कौन सा झटका लेकर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ कहेंगे फिर? क्या उन्हें एक बार फिर से पता नहीं होगा कि उनके नेता उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए, या वो किसी पार्टी से कोई दूसरे नेता को तोड़कर अपने में ले आते हैं? ये तमाम जो मुद्दे हैं देखने वाली बात होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।